हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द अनुराग मिश्रा शो। आइए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और टॉपिक ये है कि लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग की बाढ़ आ गई है। चाहे स्कूल की बात की जाए या फिर कंपनियों की बात की जाए, एक वर्चुअल क्लास बनाया जा रहा है और इन सब की चर्चाओं के बीच में एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन उभर के सामने आया है। आई स्टोर पे एप्लीकेशन सामने आया है और नाम है उसका जूम ऐप। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं जूम ऐप, उससे जुड़े हुए खतरे और सावधानियों के। आगे हम शुरू करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पे ही रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज अच्छे लगे तो जरूर शेयर करें। अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। जितनी सारी अभी तक हमने एप्लीकेशंस, चाहे वो आप स्काइपी से जुड़े हों या फिर आईएमओ से जुड़े रहे हों या फिर आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर रहे हों या फिर गूगल डुओ का यूज कर रहे हों, इसमें एक लिमिटेड नंबर आप यूजर्स एक साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन यूजर्स की संख्या को बढ़ाते हुए जूम ऐप एक इनिशिएटिव था एरिक वान का, उन्होंने शुरू किया, जिसमें आप 100 लोगों तक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आजकल हुआ कि हर कोई स्कूल है या फिर मीटिंग है, जूम ऐप डाउनलोड करिए, पूरी क्लास को एक साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें कुछ सुविधाएं थी, यानी 1-to-1 की बात भी हो जाती थी, ग्रुप की भी बात हो जाती थी और सारे आप सवाल जवाब कर सकते थे। लेकिन इसी बीच में कुछ रिसर्च पेपर हुए, खास करके जर्मनी में और यूएस में, जहां से इससे जुड़े हुए खतरे भी सामने आए। खतरे तो यहां तक बढ़ गए कि यूएस की सीनेट में इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए। दूसरा, जर्मनी ने इस एप्लीकेशन को बैन तक कर दिया। तो आइए हम इन्हीं खतरों के बारे में जानते हैं क्या क्या खतरे इसके साथ जुड़े हुए हैं। नंबर एक, सबसे पहली इन टू एंड इंक्रिप्शन, यानी हमारी और सामने वाले की बातचीत को कोई और तीसरा नहीं सुन रहा है या देख रहा है, इन टू एंड इंक्रिप्शन कहा जाता है। ये चीज ये एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड करता है। दूसरा, लॉग आउट करने के बाद आपके स्टोर्ड वीडियो सर्वर पे आसानी से मिल सकते हैं। तीसरा, एक बहुत ही जरूरी चीज, डाटा शेयर करना, इसमें आप जो डाटा शेयर करते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी या उसका कोई सेफ बॉक्स नहीं प्रोवाइड किया गया है। तीसरा, एक और जरूरी टॉपिक है, वेबकैम का एक्सेस सामने वाले के पास हो जाता है, आपके पास नहीं रह जाता है। तो ये चार बहुत जरूरी खतरे थे जिसको हम खोज के लाए हैं इस एप्लीकेशन में। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या है। इंडिया में एक साइबर सिक्योरिटी टीम है, उसका पूरा नाम है CERTIN, क्रिटिन, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये इंडियन साइबर एजेंसी है जो अलग अलग साइबर खतरों से बात करती है और उनसे निपटने के लिए आपको सुझाव देती है। अब जो जूम ऐप की बात की जाए तो इसमें ये सारे खतरे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसके और डिटेल में जाना चाहेंगे तो खतरे आपको ये दिखेंगे कि चाहे जर्मनी में इसको बैन किया गया या फिर यूएस में इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब जो इसके फाउंडर हैं एरिक हुआन, वो चाइनीज अमेरिकन है। 2017 में उनकी संपत्ति आपको पता है कितनी थी? $1 बिलियन और आज $7.5 बिलियन, यानी लगभग 2 से 3 महीने में वो एक तरीके से 112वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। जहां जूम ऐप के सब्सक्राइबर दिसंबर में 1 करोड़ थे, वो अब हो गए हैं 20 करोड़ यूजर, यानी 3 महीने में 20 करोड़ यूजर बढ़ गए। तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी गलती मानी भी है एरिक हुआन ने, और कहा है कि हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और 90 दिन के अंदर एक नया अपडेट लेके आएंगे। अब वो तब तक लाते हैं कि नहीं लाते हैं, अगर इन बिटवीन आप यूज कर रहे हैं तो आपने जो एक तरीके से आपका फोटो है, वीडियो है, आप अपनी प्राइवेसी के साथ रिस्क ले रहे हैं। तो हमारा सुझाव रहेगा कि अभी आप जूम ऐप से बचे रहें। 1-to-1 मीटिंग के लिए आप स्काइपी का यूज करिए, सबसे सिक्योर है। उसके बाद आप व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, गूगल डुओ यूज करते हैं, 2 से 4 लोगों तक मैक्सिमम शायद ये लोग अलाउड कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप मत जाइए। सिक्योरिटी कंसर्न है, आपकी प्राइवेसी का कंसर्न रहती है, ये सारी चीजें होती हैं। एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे, आप अगर देखेंगे तो
ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो चोरी होने के और उनके मिसयूज के खतरे ज्यादा हैं, तो खास करके स्टूडेंट अभी जूम ऐप से बचे रहें, हमारी सलाह यही रहेगी। आप और कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देख सकते हैं, आप डायरेक्ट फोन करके टीचर से 1-to-1 बात कर सकते हैं, तो सारी चीजें देखिए। तब तक के लिए फिर कभी मिलेंगे, गुड बाय।